स्वागत है गाइस मेरे एक नए रेसिपी के साथ। तो देख सकते हैं मैंने आज यहाँ पे दाल पालक बनाया था, तो देखिए कितने अच्छे से मेरा बना है गाइस। तो देखिए मैंने यहाँ पे बनाया था, तो इसके लिए मैंने रात में ही चने का दाल भिंगो दिया था और मैंने पालक को धो करके अच्छे से मैं रखी थी, पूरा फ्रेश पालक था। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कितने अच्छे से रखा था। तो दाल और पालक जो है भिंगो के रख दिया था, उसके बाद मैं यहाँ पे पालक को धो दी थी पानी से, फ्रेश पानी से, और उसके बाद मैंने पालक को उबालने के लिए चढ़ा दिया था कढ़ाई में। तो यहाँ पे मेरा पालक जो है वो अच्छे तरह से उबल रहा है, तो मैंने इसको 5 मिनट तक उबाला था। जब ये पूरे अच्छी तरह से सीज गया तो उसके बाद मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दी थी, और मैंने तब तक इधर गैस पे कुकर चढ़ा दिया था। तो कुकर में थोड़ा सा पानी 1 गिलास दे करके गरम करने के लिए छोड़ दी थी। उसके बाद इसमें मैंने चने का दाल डाला था, क्योंकि चने का दाल कुकर में अच्छी तरह से गल जाता है। तो फिर उसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक और 2 ठो तेज़पत्ता डाल करके मैंने इसको उबालने के लिए छोड़ दिया था। 5-6 सीटी मारने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया। फिर मैं यहाँ पे जो मेरा पालक था उसको मिक्सी में पीस ली थी पूरा महीन से, और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में बस थोड़ा सा सरसों का तेल डाला था गाइस। तो फिर थोड़ा सा इसमें जीरा डाल दिया था। जीरा जब अच्छी तरह से मेरा पक गया तो मैंने प्याज काट के 2-3 ठो था, तो प्याज मैंने इसमें डाला। प्याज मेरा अच्छे से भुंजा रहा है, तो मैं इसको प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। जब ये मेरा डीप फ्राई हो गया था तो मैंने इसमें नॉर्मल थोड़ा सा मसाला मैं इसमें ऐड करूँगी। तो मसाले में मेरा था 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्चा पाउडर, 1 चम्मच जीरा और 1 टमाटर था, और थोड़ा सा हरी धनिया कट कर लिया था। फिर मैंने पानी से मिला करके मसाले को कढ़ाई में दे दी थी, और फिर मसाले को मैंने बहुत अच्छी तरह से भूंजा था। फिर टमाटर धनिया पत्ता भी इसमें ऐड कर दिया था गाइस, और फिर इसमें मसाले को अच्छी तरह से भूंज लिया था। और मेरा जब मसाला अच्छी तरह से भूंजा चुका तो मैंने पीसा हुआ पालक उसमें डाल दिया था, और करीब मैंने 5 मिनट तक पालक और मसाला को साथ में भूंजी थी। तो फिर मेरा जब अच्छी तरह से मसाला भूंजा गया था तो फिर मैंने जो उबाल करके दाल रखा था चने का, तो अब वो मैं दाल डाल दूंगी उसमें। तो बस दाल डाल करके भी वही 5 मिनट तक भूंजना है, अच्छी तरह से दोनों को मिक्स करना है। तो बहुत अच्छी तरह से मेरा मिक्स हो गया था, दोनों को मिला करके मैंने अच्छी तरह से भूंज लिया। उसके बाद भूंजने के बाद मैंने बस थोड़ा सा उसमें पानी डाला ताकि वो अच्छी तरह से भून मिल जाए। तो जब भून गया तो थोड़ा सा अदरक दे दी थी, तो अदरक से थोड़ा अच्छा सा आएगा उसका टेस्ट। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि अच्छा लगे, और उसके बाद पानी दे करके तो फिर मेरा जो था जब पालक दाल बनके तैयार हो गया था। तो देख सकते हैं मेरा कितने अच्छे से बना है और कितने अच्छे से भूला है दोनों एक साथ। तो अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलती हूँ एक अच्छे वीडियो के साथ।